अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम आरिफ वाला। मैं अपने शहर आया था, आज मेरा कोई तीसरा दिन है इधर। और 2 दिन तो मैंने, एक दिन रेस्ट किया पूरा, एक दिन मैंने पूरा शहर का व्लॉग बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आपको अपलोड हो जाएगा। और आज मैं जा रहा हूँ फोटाबाज की तरफ, क्योंकि मैंने कहा था हमने पंजाब का पूरा एक राउंड लगाना है। तो हम पंजाब की उस साइड से जो केपीके के साथ लगती है, वहाँ से तो हो आए थे, और वहाँ से आके पूरा इस तरह से साउथ की तरफ से घूमते हुए हम इधर आए थे। लेकिन ये इसका समझ लें एक साइड का एंड नहीं है, इससे कोई 200 किलोमीटर और आगे जाएंगे ना तो बॉर्डर एरिया आ जाएगा, और रियासत का जहाँ ये रेगिस्तान शुरू हो जाता है और इंडिया का राजस्थान शुरू हो जाता है वहाँ तो वहाँ भी कुछ जगह देखने वाली है। तो आज हम इधर से निकलेंगे, रास्ता साफ ही है तकरीबन, मैंने पूछा था भाई से भी, रास्ता साफ ही है, अब वो जाएंगे तो पता लगेगा। और हमें यहाँ से तकरीबन लग जाएंगे 2, आज पूरा दिन का ही अपना राइड का ही सफ़र है, मुख्तलिफ जगह जाते हुए। आज हम एक लूप की तरह लेंगे, यहाँ से हम फोर्ट पास जाएंगे ए वाया हरूनाबाद के रास्ते, फिर वहाँ से एक रास्ता ऊपर से होकर चिश्तियाँ से होकर फिर वापस बहावलनगर की तरफ से होकर वापस आता है, तो उसको हम लेके वापस आएंगे। इस तरह हमारा पूरा एक राउंड सा हो जाएगा, और इस तरह पंजाब की ये वाली साइड भी आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सुबह के क्या टाइम हो गया, टाइम सुबह के 9 बज गए हैं, अभी इधर से निकलते हैं और बाकी मैं बाइक पर बताता हूँ। पास ही यहाँ है मलका हांस, थोड़ा सा आगे जाके पाक पतन की साइड पे। ये जो रास्ता है यहाँ से अलेक्जेंडर भी गुजरा था, और अलेक्जेंडर की मौत भी, मतलब उसके ऊपर जो जिस वजह से उसकी मौत हुई थी, जो उससे बाला सा लगा था, जो तीर समय कह लें एक तरह का, वो जो कमान पे लगा होता है ऊपर तिरछा, वो लगा था, तो वो इसको मलका हांस के पास रवायत में कहा जाता है कि वहाँ से लगा था। जिसके ये आ गया जी मेरा गांव। लेकिन हम यहाँ से बाईपास ले लेते हैं इसका, इसे मैं आते हुए आपको अंदर से दिखा दूँगा वापसी पर। बंद पता नहीं क्यों किए होते हैं, जब के रोड है, मेन रोड को क्यों बंद करना।
गया ये वाला, और ये शहर के अंदर हमने अंदर से जाना है। कुछ कुछ बढ़िया आज कल नहीं, यहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा बस पानी है मेरा, गंदा पानी है। प्यारा शहर है, तो मेरे वाला शहर भी बड़ा प्यारा हो गया, साफ सुथरा सा हो गया है बड़ा। हमने इस तरफ जाना है डीसी ऑफिस की तरफ, वहाँ से बाहर जाता रहा था। अच्छा ये है वीडियो लॉन्च, फिर जहाँ मैं शेरी को तो इस दफ़ा भेजा है, इन कब जा रहा हूँ। एक ही मसला है, इन्हें दो जो चीज़ आया मतलब मोल्टन लावा है ना, दो कहते सर एक बड़ा एक खत्म हो गया होगा। यहाँ से हमने वो जाना है फायर को, यहाँ क्या बन रहा है, चाय बिस्ट्रो बिस्ट्रो। चलो जी इधर से अब उन्हें बाहर चले जाना है। कौन सी जगह है, जरा देखें ये कौन सी है। डोंगा बोंगा, ये बड़ी मशहूर जगह है। अचार जो आप बाजारी अचार है ना, उसके यहाँ बनता है ज़्यादातर, जितनी भी कंपनी का अचार है बाजार, ये जो आपको मिलता है नेशनल हो गया, बाकी जिस तरह मतलब इस तरह की जितनी भी कंपनी का अचार है ना, वो यहाँ बनता है। यहाँ हौज है बड़े बड़े, ज़मीन में उन्होंने बनाए हुए, उनके अंदर बनाते हैं। अगर हमें कोई, मेरे वैसे अब्बू को पता था, उनसे मैंने पूछा ये एड्रेस, उनसे पूछ लेता तो आपको वो भी दिखा देता। मैं कोशिश करता हूँ अगर वो जाग रहे हुए तो उन्हें फ़ोन करके पूछ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
क्योंकि कैसा अचार है बनता है जो लोग बड़े शौक से खाते हैं। क्या आज पता नहीं क्यों इतनी ठंड, आज धूप में गर्मी नहीं आ रही। ये जी अपना नाश्ता है, अंडा बनवाया है और साथ एक पराठा। नाश्ता इधर करते हैं फिर आगे चलते हैं। बड़ाई कोई मेरा एक और भी इतराज है कि जब भी पंजाब के पसमानदा इलाकों का जिक्र होता है इन इलाकों का, उसमें भी जिक्र नहीं होता इतने पसमानदा है। मतलब यहाँ अभी भी साफ पानी नहीं मिलता, अगर आपने पानी पीना तो आप चाय पी लें तो बेहतर है। बाईपास को जा रहा है मेरे राइट पे, हम जरा लेफ्ट होके शहर के अंदर से जरा गुजर के चलते हैं। यार पूछे अगर हाई ऑक्टेन मिल जाए तो भरवा ही लें। अस्सलाम वालेकुम। ले जी ये है जी, मैंने पेट्रोल भी भरवा लिया, हाई ऑक्टेन मुझे मिल गया इधर से किस्मत। और यहाँ से 57 किलोमीटर है, अल्लाह ने करम किया तो एक घंटा हमें इंशाल्लाह लगेगा। इस टाइम मैं हारून आबाद सिटी के अंदर से गुजर रहा हूँ। सारा काम कारोबारी रोड के ऊपर हो रहा है, रुई का बड़ा यहाँ काम है भाई, कॉटन का। लेकिन हो सारा ये रोड के ऊपर रहा है। बड़ा ही कंजस्टेड सा शहर है, तंग तंग सा। असल में मार्केट्स का सारा तो रोड पे काम हो रहा है, वो सारा जगह ना बंद सी है। अच्छा जब आप शहर में वहाँ से एंटर होते हैं ना, एक रोड इस तरह इधर को आ रही है, एक रोड इधर को, मैं समझ लें आ गई है, एक वो सामने से इधर को आ रही है और इधर से आगे एक ही रोड जा रहा है, उसे बाईपास का नाम दिया। हालांकि वहाँ भी सारी ट्रैफिक ही है।
लेकिन ज़्यादातर बसेज उस साइड से जाती क्योंकि यहाँ मंडी समझ ले एक टाइप की हो गई है जो कॉटन की है, तो उस वजह से यहाँ रश कुछ ज़्यादा इस तरह थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हम दूसरी साइड पे निकल आए हैं, बस चलते हैं इधर से। ये है जी फकीर वाला जगह है, यहाँ बस शहर के अंदर मुझे आके रोड टूटा मिला, मेरे का बन आने लगे नहीं है, बाकी तो VIP रोड आया है सारा। शुक्र है जी खराब रोड खत्म हुआ, ध्यान छोटी अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब हमारे रह गए 36 किलोमीटर। अब तो रेतला इलाका शुरू हो गया है, अपने इधर उधर रेत अब नजर आने लग गई है। अपने इस तरह चोलिस्तान है, इंडिया की तरफ से राजस्थान कहा जाता है। होए होए बड़ा रोड खराब है यार, ये सामने वाला बड़ा गंदी ड्राइविंग कर रहा है, अभी नीचे गड़ा था उसके अंदर ठा गाड़ी इसकी लगी है। अच्छा यहाँ कल्चर भी अब बदल गया, जिस तरह वो रेगिस्तान वालों के होते हैं ना उस तरह के, मतलब ये खवातीन के और मर्दों के कपड़े हैं वो, जिस तरह के आपको मूवीज में भी दिखाते हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं। ये रोड बड़ा ही अजीब सा है, जिस तरह गलियां नहीं मुड़ती, कभी इस तरह बिल्कुल मुड़ जाता, कभी इस तरह हरूनाबाद के खास बाद में खास तौर पे इस तरह करके एकदम मुड़ता, बड़े ही शार्प टर्न आते हैं इसमें। चल ये मैंने अभी देखा मेरे वाइजर का सामने वाला एयर फ्लो वाला खुला हुआ था हेलमेट के, और पता नहीं है पीछे आवाज सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, नहीं तो मुझे साउंड ओवर देना पड़ेगा ट्रैक्स पे। ये आप देख रहे हो ना पटरी के उस तरफ ये मिट्टी की जो दीवार सी है, ये अब तो शहर आ गया, पहले मेरे इस तरफ भी थी, ये बेसिकली डिफेंस के लिए बनाई गई, इसके अंदर मोर्चे भी हैं। अब तो सारी फेंसिंग हो गई है बॉर्डर पे, जब पहले वॉर्स होती थी ना तो ये वाली डिफेंस लाइन होती थी उस वक्त, यहाँ इसके अंदर मोर्चे भी बनाए गए थे, अब तो अबंडन हो गए हैं। लेकिन यहाँ अगर आप मेरे पैरेलल देखें बिल्कुल उस तरफ, तो ये खिची वाला आई थिंक आ गया है, और उनावा से ज़्यादा अच्छी तो एंट्रेंस सिटी की है। अभी मैं बता रहा था कि पहले मेरे बिल्कुल इस तरफ अगर मैं 3 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा ना लेफ्ट को, तो बॉर्डर आ जाएगा, नहीं 3 to 5 किलोमीटर्स के अंदर यहाँ से बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का। यार फिर भी इन इलाकों की थोड़ी सी हालत पहले से बेहतर हो गई है, मैं तकरीबन मैंने जो देखी है ना 5-6 साल पहले तो ये खंडर थे, मतलब यहाँ रोड भी बहुत छोटा सा था। मुझे आज खुशी हुई है कि रोड सही है, फोटाबाज तक का बड़ा आला रोड बना हुआ है, लेकिन फिर भी इन इलाकों को ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये है कि रेगिस्तान के इफेक्ट ना मिट्टी की जगह रेत ये देखें आने लग गई है। यह देखें जी आपको रेगिस्तान वाली फीलिंग आएगी, हम बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर हैं इस पे, हरियाली दूर दूर तक नहीं है।
यहाँ भी सारी इसी तरह ही है रेती रेत, यहाँ भी सारी रेत है। ये चोलिस्तान का एरिया शुरू हो गया, जो इस तरफ चोलिस्तान बॉर्डर पार करती राजस्थान, लेकिन वो थोड़ा नीचे जाके है। चलो ये जी रेगिस्तान के हमने यहाँ मैंने बनाया आराम से ड्रोन शॉट्स। अब आगे शहर में चलते हैं, यहाँ से पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है। वेलकम टू फोर्ट अब्बास, जैसे फोर्ट वो वाला हमने इधर जाना है। हाँ यहाँ जाना है हमने, एक यहाँ है, फिर हम अपना लूप लेके दूसरी तरफ को निकलते हैं इधर से। ये समझ लें यहाँ से चोलिस्तान शुरू हो जाता है, ये पीछे जो मैं 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से फोर्ट अब्बास की है दूर से। रेतला रेतला चलते हैं इधर। ये यहाँ का वाहिद पार्क है, कायदे आजम पार्क। इसकी भी सिर्फ रियून सी बाकी है, बड़ा पुराना, मैं आपको हिस्ट्री भी वहाँ जाके इसकी बताता हूँ। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने की वजह से ना यहाँ देखे रोड्स के हालात बहुत ख़राब है। सारा चीज़ें तो एमपी एमएनए नहीं ना कर सकते, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा तो ये जगह बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। ईरान अब इतना प्यार मतलब साफ सुथरा है सिर्फ अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से। बड़ा ही औखा है जी, यहाँ तो बाइक स्लिप हो रहा है, रेतला जगह है। नेक्स्ट लेफ्ट बाइक ना हाथ से जाता है, एकदम ही स्लिप होता है। ये आ गया जी, इंटो से ही पता लग रहा है ये। इसकी साइड कौन सी है, दूसरा सी तरह घूम कर देखते हैं, रुक जाए, घूम कर ऊपर से आते हैं। जी अंदर जाने का रास्ता है, ये छांव में लगाते हैं बाइक।
और अंदर चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या हालात हैं अंदर से। हो जा। मैं अब यहाँ पहुँचा हूँ फोटाबास में, फुलड़ा किला। हाँ, फुलड़ा किला में रियूनस ही हैं कोई खास, लेकिन अभी भी जो बेसिक इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर है वो कायम है। ये छोटी छोटी बारीक ईंटों से बना हुआ, लाल बना हुआ एक है। ये मेरे पीछे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी, ये भी उस तरह है उसका मतलब स्ट्रक्चर जिस तरह का बना है वो। लेकिन हालत अबतर ही है, यहाँ कोई ध्यान वगैरह दे ना तो बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। वह अभी इसकी चार दीवारी कायम है लेकिन अंदर वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ये अंदर से बिल्कुल ये इस तरह ना मैदान बन गया हुआ है, इसकी आबादी है बन गई हुई। और आने का बड़ा यहाँ मसला हो जाता, रेत थी तो मेरा बाइक बड़ा स्लिप हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का था। बाकी मेन रोड ही आ रहा है। जगह पे 2 भाई मिले, क्या नाम है यार आपके? अफजाल। अफजाल ये यहाँ के लोकल भाई हैं, ये मुझे यहाँ लेकर आए थे अंदर के, आप देखें सारा बनाए, हेल्प कर रहे हैं, बड़ा बड़ा शुक्रिया यार आपका। चलें यहाँ से अब ना ड्रोन शॉट्स लेते हैं, फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ।